हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप फाइन होंगे। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन जो है कि आयल पेस्टल पे ड्रा होने वाला, आयल पेस्टल से। इसके पहले मैं पीछे दिख रहा है स्क्रीन पर दीपक था। आज जो है आयल पेस्टल से एक और नया जो है फल का स्केच बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप जो इसको ड्रा कर रहा हूँ। आधा पार्ट आज अपलोड। गाइज, आज आयल पेस्टल से जो है ड्रा हो चुका है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर ऑल कर देना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता है। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। बड़ी मेहनत करना पड़ता है भाई, आर्ट बनाकर दिखाना, समझाना, अपलोड करना, बड़ा मेहनत करने करते हैं भाई हम लोग। प्लीज यार, इससे पहले नहीं जाना, पेज को अंत तक देखना। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑल जरूर कर देना, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता है। मैं एक मोबाइल से जो है गूगल से मैं एक फोटो और मैं ये जो मजा है जो कि आयल पेस्टल से बना हुआ है, उसको मैंने क्रॉप करके डिस्प्ले अपने स्क्रीन पर ले लिया हूँ। उसको देखकर मैं आउटलाइन ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि मैं यहाँ 2B पेंसिल का प्रयोग कर रहा हूँ। HB एकदम लाइट होता है इसलिए वो दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने जो है 2B पेंसिल का यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। अब ये देखिए, छोटे छोटे जो है ये पानी के बूंद बना रहे हैं। अभी दूसरी पार्ट में दिखेगा आपको। गाइज, लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है। गाइज, स्किप करके नहीं जाना। कितना अच्छा जल लगेगा, कितना स्मूथ पानी का जल जो है बूंद बनेगा, सॉरी पानी का बूंद बनेगा। आप देखना फल पे किस तरह। देखना फल पे किस तरह से रहता है। गाइज, हमने ले लिए ऑरेंज कलर का जो है आयल कलर। अब मैं उसको इस धीरे धीरे इस रगड़ रहा हूँ, मतलब पेंटिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे। उसको ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं रगड़ रहे हैं, धीरे धीरे प्रेशर देना, जिससे कि वो एकदम हल्का होता ही है, कहीं डार्क ज़्यादा ना हो जाए। हल्के हाथे फटाफट फटाफट ड्रा कर रहे हैं। ऐसे हम सभी पर स्टेप बाय स्टेप ड्रा करेंगे। अब रेड आयल ले लिए, रेड कलर का। रेड कलर को मैं हल्के हाथे जो है जहाँ रेड ज़्यादा दिखा वहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। गाइज, यही प्रोसेस छोटे से फल, दूसरी फल पे यही प्रोसेस कर रहे हैं। ट्रेन की आवाज़ें सुनाई दे रहा होगा गाइज, मेरा होम ट्रेन के बगल ही है, कभी दिखाऊंगा। पटरी पे ट्रेन जा रही है, आवाज़ आ रहा है, आप सुन पा रहे होंगे। गाइज, वही प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन जब भी करना धीरे धीरे करना, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा फास्ट किया था जो है, वीडियो फास्ट कर दिया था, लेकिन मैं बहुत स्लोली स्लोली कर रहा था इसका स्ट्रोक देख देख के। ये तो कहीं बाहर तो नहीं चला जा रहा है, स्ट्रोक उसका देखना पड़ता है ध्यान से, क्योंकि इसका कहीं आकार नहीं होता, गल गल के साइड साइड से चौड़ा पतला होता रहता है। गाइज, यहाँ हमने ब्लेंडिंग कर दिया, जो कि रेड ज़्यादा दिख रहा है, रेड का प्रयोग बाद में किया जो कि सूट नहीं हो पाया, लेकिन उस पर मैं ऑरेंज करने के बाद रेड का भी प्रयोग करके उसको हमने ब्लेंडिंग कर दिया। और अभी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, थोड़ा हरा का प्रयोग किए, थोड़ा जो है चॉकलेटी यानी कि प्लांट पौधे कलर का मैंने प्रयोग किया, ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। पत्ते पर भी वही प्रोसेस है, लाइट ग्रीन और उसके बाद डार्क ग्रीन का प्रयोग करके ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे ब्लेंडिंग करना, कहीं बाहर ना घिस कर चला जाए। जितना स्लो गाइस करेंगे उतना ही रियलिस्टिक बनेगा। आज का सेशन आपका यहीं तक है गाइस, लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल